आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पीरपैंती थाना में हुई चैती दुर्गा पूजा व रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। थाना अध्यक्ष ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की किया अपील। आपको बता दें कि भागलपुर के पीरपैंती थाना परिसर में मंगलवार को दुर्गा पूजा व रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने किया। वहीं इस दौरान पीरपैंती पुलिस निरीक्षक राकेश रंजन सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार और पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ झुंपा सिंह, संजीवनी गंगा के संस्थापक मोहम्मद अयाज, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजा व मेला के दौरान कोई भी किसी तरह का हंगामा नहीं करेगा, डीजे और शराब पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पूजा स्थल के आसपास साफ सफाई रखने की क्या अपील। बता दें कि पीरपैंती थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस 24 घंटा तत्पर है। पूजा पंडाल के आसपास असामाजिक तत्व नजर आने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। वहीं पुलिस निरीक्षक राकेश रंजन सिंह ने कहा शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए पुलिस टीम लगातार क्षेत्र में अतिरिक्त गश्ती करेगी, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। उन्होंने पूजा समितियों से अपील किया कि शांतिपूर्ण पूजा का आयोजन करें। वहीं इस मौके पर शांति समिति की सदस्य मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह, पीरपैंती मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुल्तान, उप सरपंच यासिर खान, सुभाष कुशवाहा, सुरेंद्र नाथ, मोहम्मद कबलैन, गोपाल सिन्हा, सलेमपुर मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम दास, गोपाल केडिया, रणधीर सिंह, रहूब खान, अनिल राजवंशी, अनिल सिन्हा, पिंटू मंडल, सुमन बर्नबाल, शेखर कुमार सहित विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के लोग व अन्य मौजूद थे। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।